दोस्तों, अगर आप भी क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए अगर CoinDCX एप्लीकेशन को यूज़ करते हो तो कल की डेट में आपने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखा होगा जिसमें क्लियरली लिखा है मेंटेनेंस एक्सटेंशन टिल 12 PM। देखो, ये जो नोटिफिकेशन आया गया उसके बाद से CoinDCX के जितने भी यूज़र हैं ना, तो उस टाइम पे बाय कर सकते थे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल, अगर मार्केट डाउन जा रहा है, अगर सेल करना है तो भैया कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है गाइज, काफ़ी सारे ऐसे यूज़र्स हैं। देखो, CoinDCX एप्लीकेशन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप वीडियो पे आए हो, तो भैया आपने कंफर्म है कि जो कूपन कोड है वो जम के लूटा होगा, जिसमें फ्री बिटकॉइन दिया जा रहा था। किसी किसी ने 4 से 5 6 10 ऐसे 15 कूपन कोड लगाए थे, वो सारे के सारे ब्लॉक पड़े थे आपके CoinDCX एप्लीकेशन में। लेकिन ये अपडेट के बाद में कुछ ऐसी चीज़ भी सामने आई जिसमें कुछ यूजर्स को ऐसा लग रहा था, जिसमें क्या भाई, ये अपडेट के बाद हमारा जो कूपन कोड है वो अनलॉक हो जाएगा क्या, भाई जो बिटकॉइन का बैलेंस पड़ा है वो अनलॉक हो जाएगा क्या। इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा, क्या अपग्रेड हुआ है और क्या कन्फ्यूज़न है। देखो, सबसे पहले बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो लॉग बैलेंस है आपके CoinDCX एप्लीकेशन में, तो भैया इस अपडेट से कोई लेना देना है नहीं है। देखो, मेरे पास अभी स्क्रीन पे देखोगे आप, 5 6 ऐसे कूपन कोड अभी भी लॉक पड़े हैं। तो यार, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वैसे मेरे साथ केस में हुआ नहीं, आपके साथ भी शायद अगर हुआ होगा अनलॉक तो मुझे बताना, क्योंकि फर्स्ट कूपन कोड ही सभी यूज़र्स का अनलॉक हुआ है। अनलॉक कैसे करना है वो तो आपने देखा होगा, लेकिन सभी के सभी जो कूपन कोड है वो अनलॉक नहीं है। देखो, अपग्रेड भी आया CoinDCX का, उसका जो मतलब है इससे नहीं था, उनकी सेटिंग से था, वो अपग्रेड कर रहे थे एप्लीकेशन को। जैसे मैं बात करूँ इसमें क्या कुछ चेंजेस मिला इस ऐप में, देखो मैंने एड मनी किया था तो उसमें मुझे कुछ चेंजेस दिखा है। देखो, सबसे पहले आप मोबीक्विक से ही एड मनी करते थे, अभी यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन आ गया है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूपीआई के जस्ट नीचे में 0% चार्ज है अगर आप डिपॉजिट भी करते हो तो। वैसे पहले आपको भी पता होगा, जैसे मैंने अभी 100 एड मनी करके देखा, कोई भी चार्ज नहीं लगा मुझे एक्स्ट्रा, लेकिन जो मोबीक्विक से पहले करते थे उसमें 1% का चार्जेस लगता था डिपॉजिट मनी पे। जैसे मैंने परसों के डेट में 1000 ऐड किया था, तो 1011 रुपये के आसपास मुझे चार्ज करना पड़ा था। ये थोड़ा अपग्रेड मिला है मुझे उस अपडेट के बाद में, शायद यहाँ पे यूपीआई का एक ऑप्शन ओपन कर दिया है, बाकी ऐसा कोई भी अनलॉक वाली कहानी नहीं है गाइस। देखो, बिटकॉइन का जो लॉक बैलेंस है वो इन फ्यूचर अगर हो जाए अनलॉक, CoinDCX कर दे तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि अपडेट से उसका कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों, बस अभी के लिए वीडियो में इतना ही यार, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।